हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा। राधे राधे सबको और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। अभी सुबह का 7 बज रहे हैं। अभी मैं थोड़ा लेट से उठी आज फिर से, क्योंकि फिर स्कूल नहीं रहता है तो लेट ही हो जाता है। एक्चुअली ठंड में ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि ठंड लग रहा है, हम लोग ब्लैंकेट से निकलने नहीं जाते तो लेट हो जाता है। तो स्कूल नहीं है इसके लिए प्रेशर नहीं है, लेट से उठी। अभी मैं आज सोचा थोड़ा टेरेस में जाऊंगी क्योंकि सुबह कभी टेरेस में मैं जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। मैं वैसे को रेडी करती हूँ, स्कूल ड्रॉप करती हूँ, उसके बाद मैं ग्राउंड चली जाती हूँ। फिर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए आज सोचा थोड़ा टेरेस में जाएंगे, फिर उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी। देन बहुत सारा साइनअप का पूजा है, थर्सडे भी है तो इसलिए बहुत सारा फूल भी लेना है। वो फूल लेके आऊँगी फ्लावर्स, फिर उसके बाद साइनअप का पूजा का फिर शुरू होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हम लोग आज कैसे पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूजा में हम कैसे पूजा कर रहे हैं, पूजा में क्या क्या कर रहे हैं, वो देखते रहिए। मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। तो ये देखिए, सुबह हो गया और ये पिजियंस बहुत है हमारे इधर, तो वो सब अभी धूप सेकने आ गए। थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल गया है, बहुत लेट हो गया आज एक्चुअली, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करूँगी उसके बाद फ्लावर लेने जाऊँगी। लेकिन क्या करें, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। ये लोग भी धूप से उड़ गए और मैं अभी अभी एक्सरसाइज करूँगी। ये देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं लेकिन अभी भी कोहरा है, उसके साथ धूप भी निकल गया है। ये है बाहर का नज़ारा। तो चलिए अभी मैं एक्सरसाइज थोड़ा वार्म अप करूँगी, थोड़ा प्राणायाम करूँगी, उसके बाद एक्सरसाइज करने जाऊँगी। एक्चुअली प्राणायाम इतना शॉर्ट नहीं होता है, वो प्राणायाम करने में आप, अगर आपको ऑनेस्टली प्राणायाम करना है एक्चुअल में, तो आपको 30 मिनट तो देना ही पड़ेगा फुल प्राणायाम के लिए। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, उसके लिए आपको आप 30 मिनट दोगे तो एकदम आपका पूरा इंटरनल फंक्शन अच्छा हो जाएगा। मैं वही करती हूँ। आधा घंटा अगर नहीं होता है तो 15 मिनट नहीं होता है, तो इसलिए अभी मैं 10 मिनट एक्चुअल में करती हूँ। लेकिन आपको, आप लोग अभी बोर हो जाते हैं मैं इतना देर तक लेंदी शूट करती, तो इसलिए थोड़ा शूट की, थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर की कि मैं सुबह आज क्या की, इसलिए थोड़ा थोड़ा शूट की। लेकिन प्राणायाम 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम करती हूँ। एक्चुअली 30-40 मिनट अगर करोगे, अगर आप लोगों का इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है तो ये करना बहुत सही होगा। और थोड़ा वार्म अप करूँगी क्योंकि अभी सुबह कोई शूट करने के वाले नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखाऊँगी नहीं, लेकिन जितना हो सके वो शूट की। और बहुत देर तक प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम एक्सरसाइज रोज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो बेनिफिट है आपके लीवर के लिए। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है प्राणायाम हो कि कोई एक्सरसाइज आप लोग अगर करोगे तो आप लोगों का मेंटल पीस बहुत अच्छा रहता है। मैं जब जिस दिन नहीं करती हूँ उस दिन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है, बोर हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं करती हूँ एकदम माइंड फ्रेश रहता है, फुल एनर्जी भी मुझे मिलता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, एडवाइस दे रही हूँ एक्चुअली कि एक्सरसाइज कीजिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल पीस के लिए अच्छा है।
थोड़ा प्राणायाम कर लिया, अभी थोड़ा वार्म अप करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी फ्लावर लेने और थोड़ा ग्राउंड में जाऊँगी एक्सरसाइज करने। आज थोड़ा ऐसे ही मन किया, छत पे नहीं आती हूँ ज़्यादा क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, छत पे ज़्यादा आना नहीं होता है, लेकिन आज छत पे आई हूँ। थोड़ा सोचा कि थोड़ा चलो छत का नज़ारा देखूँ बाहर कैसा लगता है अभी। तो सुबह एक्चुअली सुबह 6 बजे 6:45 उठती हूँ, कभी कभी 5:30 बजे जब ज़्यादा कुछ टिफिन बनाने का प्रिपरेशन रहता है तो 6:45 बजे 5:30 बजे उठती हूँ। फिर उठ के तब तो बहुत ठंड लगता है तो घर में ही तब रहती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ तभी वार्म अप हो जाता है एक्चुअली। फिर उसके बाद उसको लेके जाती हूँ, उसको स्कूल में ड्रॉप करके फिर मैं ग्राउंड में जाती हूँ एक्सरसाइज करने। लेकिन आज तो स्कूल नहीं था तो इसलिए थोड़ा सोचा कि चलो छत पे आते, 7 भी बज गए, धूप भी निकल गए, लेकिन छत पे आई और छत का फिर नज़ारा देखी, देखी कि ये पिजन्स तो हर वक्त आते हैं, खाना वाना देती हूँ तो ये आते। एक्चुअली मैं दोपहर को आती हूँ लेकिन आज सुबह आई, अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत पिजन्स थे, पिजन्स है अभी भी और कुछ अभी चले गए, और अच्छा माहौल भी अच्छा है, एक्सरसाइज करने का मज़ा भी आता है। लेकिन इधर ही एक्सरसाइज कर लेती, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा ग्राउंड में जाके हैबिचुएट हो गई तो ग्राउंड में मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने। फ्लावर भी लेके आना है, बहुत फ्लावर लाना है, पूजा है तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ और मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। देखिए मैं क्या क्या, थोड़ा फ्लावर खरीदना है, थोड़ा मिठाई विठाई खरीदना है, तो देखते रहिए आज का दिन हम लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कैसे पूजा हो रहा है, पूजा कैसा हुआ, अच्छा लगा कि नहीं, सब कुछ देखिए, देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अभी के लिए बाय, फिर उसके बाद नीचे जाके मिलती हूँ, फिर जाऊँगी। पहले मुझे थोड़ा मेथी का पानी पीना है, रात को मेथी भिगोया था तो उसका पानी पीना है। कभी मेथी के पानी पीती हो, कभी क्यूमिन की पानी पीती हो, और कभी लेमन वाटर ले लेती हूँ। लेमन वाटर मीन्स लेमन के साथ सिर्फ वार्म वाटर और लेमन, थोड़ा हनी कभी कभी लेती हूँ कभी, क्योंकि स्वीट अवॉइड ही करती हूँ मैं, पता नहीं आजकल का हनी है एक्चुअल में होता है कि नहीं, तो इसलिए हनी भी अवॉइड करती हूँ, लेमन के साथ वाटर पी लेती हूँ। आज तो लेमन वाटर नहीं लूँगी क्योंकि रात को मेथी भी गई थी, अभी भी मेथी पानी पीऊँगी। तो मैं चलिए मैं अभी नीचे जा रही हूँ, फिर उसके बाद मेथी का पानी पीना है, फिर मैं निकलूँगी फ्लावर खरीदने के लिए और थोड़ा एक्सरसाइज करके आऊँगी। मेरा मेथी वाटर पीना हो गया है, आज मैं लेमन वाटर नहीं ली क्योंकि एक दिन लेमन वाटर लेती हूँ, एक दिन मेथी वाटर लेती हूँ, एक दिन क्यूमिन वाटर लेती हूँ, अब चेंज करके लेती हूँ। अभी मैं रेडी हो गई, फिर उसके बाद अभी मैं निकलूँगी थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद जो कि साईनाथ की पूजा है तो फ्लावर खरीदूँगी, बहुत कुछ, बहुत फ्लावर लेना है तो सब कुछ लेके फिर मैं आऊँगी घर में। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ये मैं आगे फूल लेके और मेरी मम्मी जी शायद पूजा करेंगे, वो नहाने गई है। ये फूल है, मिठाई है, ये भी फूल है और ये भी फूल है और ये भी, सब बहुत फूल लेके आई हूँ क्योंकि घर का भी पूजा है, साईनाथ का भी पूजा है, सब पूजा करने के लिए बहुत फूल चाहिए होता है, तो इसलिए ये रोज़ मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा तो लेके आई। कलर भी बहुत अच्छा है, ये काली माता के लिए हिबिस्कस की माला, ये साईनाथ के लिए और ये और एक है पापा जी के लिए, ये हनुमान दादा के लिए, महादेव के लिए भी है, कान्हा जी के लिए भी है, सरस्वती मैया, साईनाथ, विष्णु भगवान, सब के लिए माला है। फूल भी लेके आए, पूजा भी होगा। सो अभी ये है वैशु के लिए टिफ़िन, इससे वैशु टिफ़िन करेगी, इससे मैं बनाऊंगी इडली। ये इडली थोड़ा इडली मेकर ये वाला मेरे पास है, दोनों ही है, लेकिन इसमें थोड़ा तेल देना पड़ता है और इसके बाद जब वो गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद इडली का घोल दे दीजिए, बस ये बन जाएगा। बहुत अच्छा छोटा छोटा एकदम गोल मटोल इडली बनता है तो वैशु को बहुत अच्छा लगता है उसका शेप। सब कंप्लीट हो जाने के बाद ढक दी, फिर 2 मिनट बाद खोली, थोड़ा थोड़ा इसको तेल देना पड़ता है। ये फ्राई इडली है
लेकिन ज़्यादा तेल देना नहीं चाहिए। मेरा तो बनाना हो गया, ये वैश्यू आई, अभी उसका मॉर्निंग हुआ है, वो बनाएगी, ज़िद कर रही थी। एक साइड हो जाने के बाद दूसरे साइड में चेंज कर दीजिए, लेकिन देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, ये दिखने में बहुत प्यारा लगता है, इसलिए वैशू को अच्छा भी लगता है। वो बोली इससे ही खाना है अभी मुझे इडली। ये इडली कंप्लीट हो गया है और उसके साथ वैशू थोड़ा मिल्क लेगी। और ये प्रणव का ब्रेकफास्ट, ये सुबह प्रणव यही ब्रेकफास्ट करता है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि वो पूजा ऊपर है तो हम लोग सब चले गए, मैं रेडी वेडी होके जा रही हूँ। ऊपर जाने से पहले पापा जी को प्रणव माला चढ़ा रहे हैं। अभी मैं पहुंच गई ऊपर और इधर साइना तभी रेडी हो रहा है, श्रृंगार कर रहा है और उधर साईनाथ का भोग बन रहा है। ये साईनाथ रेडी हो रहा है अभी, देखिए और इधर भैया दीदी के गोदी में बैठा है, मस्ती कर रहा है, सब लोग बैठा है, मम्मी जी आई है। हाय बच्चू, ये मैं फ्रूट काट रही हूँ। सब लोग कुछ ना कुछ काम में बिजी है, घर में पूजा होता है तो ऐसा ही होता है, कोई कुछ करता ही तो है। सब फ्रूट हो गया काटना, अभी सिर्फ पपाया ही बाकी है, बस वो काटने से फ्रूट सब हो जाएगा। और उधर मिठाई विठाई सब रेडी हो गया है। और इधर ये बदमाश मस्ती कर रहा है, वो कोम कर रहेगा, इतना बदमाश है, जिद्दी भी हो गया है और प्याला भी है। इधर भोग बन रहा है, ये खिचड़ी है, ये सब मिक्स वेज है। एक्चुअली बंगाली में पूजा में कोई भी पूजा हो तो खिचड़ी मस्त होता है और खिचड़ी सबको अच्छा भी लगता है। ये मौसी बना रही है खिचड़ी, इधर ये किचन मौसी संभाल रही है। और सब कुछ रेडी हो गया है और एकदम सब कुछ अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ी देर बाद पूजा स्टार्ट होगा, जब भैया आएगा तो भैया उधर कुछ काम कर रहे तो वो आएगा तो पूजा स्टार्ट होगा। ये बन रहा है, एक्चुअली ऑलमोस्ट रेडी है, मिक्स वेज जिसमें बहुत वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, बीन्स है, ब्रिंजल है, पम्पकिन है, बहुत वेजिटेबल्स है, बहुत टेस्टी लगता है। और इधर हमारा जमाई राजा अभी चल रहा है, एकदम छोटा वाला जमाई राजा हो गया है, नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है, अभी वो दौड़ेगा चलेगा, वो बैठेगा नहीं, अभी उसको वही करना है। देखो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। और अभी पूजा स्टार्ट हो गया, भैया आ गया है, भैया ही पूजा करेगा तो इसलिए भैया आने के बाद पूजा भी स्टार्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कैसा हो रहा है पूजा, आप लोग ज़रूर कमेंट करना पूजा आप लोगों को कैसा लगा, और ये भी कमेंट करना ज़रूर कि साईनाथ का ये स्टैचू आप लोगों को कैसा लगा, उनका सजाई हमने वो आपको कैसा लगा। और सब लोग कमेंट करके ज़रूर लिखना जय साईनाथ की जय। उधर साईनाथ का गाना बज रहा है तो इधर महाराज डांस कर रहे हैं, देखो कैसे ठुमक ठुमक के डांस कर रहे हैं। और अभी सब लोग इधर पूजा हो गया है, फिर उसके बाद सब लोग प्रसाद अभी खा रहे हैं। ये खिचड़ी रेडी हो गया है और इधर अभी दमालू बन रहा है,
यही लास्ट आइटम है, अभी ये बनेगा तो कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। ये वेजीज फ्राई है और ये मिक्स वेज भी कंप्लीट हो गया एकदम, और उसके साथ है मैंगो की चटनी, ये खीर, ये सब आज का भगवान के लिए बनाए हैं हमने। इधर कोई गेस्ट आए तो उनको मैं प्रसाद दे रही हूँ, उधर मौसी मेरी जेठानी वो भी प्रसाद दे रहा है। सबको प्रसाद दे देने के बाद हम बैठेंगे प्रसाद लेने के लिए। तो अभी हम सब नीचे आ गया है, कुछ देर बाद शाम होगा तो मुझे शाम की आरती भी करना है। वैशु उधर कुछ आर्ट कर रही है, क्राफ्ट, ये देखो वैशु कुछ बना रही है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती है, ड्राइंग करती है या कुछ क्राफ्ट करती है, उसको बहुत इसका शौक है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का साइन ऐप का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देख के कुछ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, हम ऐसा और भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। और टाटा, गुड बाय, टेक केयर।